चरित्र बहुत ऊंचा बताया गया, माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते दुनिया को गाली दे देना कभी, माँ को अपमानित नहीं करना, नहीं तुझे जला दूंगा मैं। सबसे झगड़ा कर लेना लेकिन माँ से कभी तू तू मैं झगड़ा नहीं करना, नहीं भगवान नाराज हो जाएंगे, तरक्की रुक जाएगी सीधी बात। बोली शंकर भगवान की जय हो। प्रसूति माँ ने सती जी को बहुत समझाया, बेटी क्यों रो रही है। सती जी ने कहा मैया बोले बाबा ने त्याग दिया बहुत दुख, मैंने सोचा मायके में जाऊंगी सुख मिलेगा, यहाँ आई हूँ तो गांव वालों ने सम्मान नहीं किया, यहाँ आई हूँ तो बहनों ने अपमानित कर दिया, यहाँ आई हूँ तो पिता ने अपमानित कर दिया, अब क्या करूँ। प्रसूति माता समझाने लगी बेटी ना गांव वालों से मायका होता, ना पिता से मायका, ना बहन से मायका, मायका तो माँ से होता, तेरी माँ तेरा सम्मान कर रही, बस चिंता छोड़। स्वामी शंकराचार्य जी ने लिखा है पुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भोर, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। भगवती सती यज्ञ मंडप में पधारी है, कनकल में यज्ञ चल रहा, यज्ञ मंडप में जब सती जी पधारी है वहां देवताओं का भाग है, कहीं शिव का नाम नहीं है। महारानी सती समझाने लगी है सबों को लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सोचा यज्ञ को रोकूं तो कैसे रोकूं, अब महारानी सती ने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया, सोचा मैं जल जाऊंगी मर जाऊंगी तब तो यज्ञ रुकेगा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा भयम सकल मत हाहाकार। मैया सती ने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया, धू धू करके जलती जा रही है। शिव के गणदौड़ पड़ते, मैया क्या कर रही है, क्या जवाब देंगे भोले बाबा को, खाली हाथ जाएंगे तो भोले बाबा बहुत नाराज होंगे। मैया सती ने कहा इस पापी बाप ने मुझे ये शरीर दिया है, ये शरीर में जला दूंगी। जो बाप भगवान का सम्मान न कर पावे, जो बाप अपने दामाद का सम्मान न कर पावे, अब क्या करूं, उसे तो समझा नहीं सकती हूँ, मैं अपने आप को ही जलाऊंगी। हस कही जोग अग्नि तनु जारा भयम सकल मत हाहाकार। सती जी जल जाती है, भगवान शिव के गणों ने मंडप को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा भृगु ने कृत्या को प्रकट किया है, महात्मा भृगु के कृत्या के प्रकट होने पर कृत्या ने शिव के गणों को मार मार करके भगा दिया। अब शिव के गण जब कैलाश पर पहुंचते रोने लगे, शिव जी ने पूछा क्या हुआ सती नहीं आई, रोने लगे, रोते रोते कहते मैया ने साथ छोड़ दिया। भोले बाबा ने सोचा था कुछ दिन मायके में रुक गई, नहीं बाबा इतना अपमानित किया लोगों ने कि मैया को आग में जलना पड़ गया। इतना सुनते ही शिव जी क्रोधित हो गए, लाल लाल नेत्र फड़कने लग गए, रोंगटे खड़े हो गए, जटाएं बिखरती है भगवान शंकर की, एक केस को तोड़ करके धरती पर पटक दिया है, एक से वीरभद्र दूसरे से भद्रकाली दो भागों में बाल बढ़ जाता है, बढ़ते जा रहे हैं। वीरभद्र ने पूछा स्वामी मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शंकर ने कहा दक्ष की दुर्दशा करो। अब वीरभद्र भद्रकाली खंजर लिए आगे बढ़ते जा रहे, बड़ी भारी सेना पीछे चल रही है, जो मिल रहा उसे मार रहे, जो मिल रहा है उसे मार रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ी, भगवान शंकर के कथनानुसार जब दक्ष की यहाँ नगरी में पहुंचे सबको मारना शुरू कर दिया, मारते मारते दक्ष दौड़ पड़ते हैं तलवार लेकर के, दक्ष की मुंडी नोचकर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। लेकिन भगवान शिव संघारक बताए गए हैं, संघारक इनको रुद्र कहा गया, रौद्र होते हैं, इनका क्रोध बड़ा भयानक होता है, भगवान शंकर के क्रोध से वीरभद्र पैदा हुआ है, भगवान शिव का ही रूप माने गए हैं वीरभद्र। दक्ष की मुंडी नोच करके हवन कुंड में डाल दिया, दक्ष का प्राण निकल जाता है, लेकिन वीरभद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ, लगता है पूरी दुनिया खत्म कर देंगे वीरभद्र। भगवान शंकर को दौड़ करके सब जाते हैं, मनाते हैं, बाबा कृपा करो नहीं बड़ी आफत आ गई है, वीरभद्र सबको मार देंगे।
बजने से। बोले शंकर भगवान जय हो। भगवान शंकर आते वीरभद्र को शांत किया है। भगवान शंकर बड़े निराले देवता हैं। मिनट में क्रोधित होते हैं, मिनट में प्रसन्न हो जाते। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। मिनट में नाराज मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं, ये भगवान शंकर का स्वभाव है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा यज्ञ पूरा करो। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ कैसे पूरा। ब्रह्मा जी ने कहा जजमान ही नहीं रह गया है, दक्ष तो मारे गए हैं। तो भगवान शंकर ने तुरंत बकरे का सिर जोड़ा। यहाँ प्रश्न है, बकरे का ही सिर क्यों जोड़ा। महाराज दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया था तो मैं कह रहे कर रहे थे, मैं मेरे जैसा कौन, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो नंदी भगवान ने श्राप दिया, तू तो बकरे की तरह मैं कर रहा, तेरी मुंडी तेरा मुंह बकरे का बनेगा, पक्का है, नोट कर ले। तो दक्ष की मुंडी जब नोची है वीरभद्र ने, नंदी भगवान का श्राप सार्थक करने के लिए शिव जी ने बकरे का सिर जोड़ दिया। बहुत बड़े डॉक्टर है भगवान शंकर। गणेश जी का सिर हाथी का, दक्ष महाराज का सिर बकरे का, डॉक्टर अभी उतना आगे नहीं पहुंच पाए हैं। प्राण संचरित किया महाराज, दक्ष उठ करके बैठ गए। अब हम अपनी भाषा में स्तुति करेंगे। बकरा बकरी किस भाषा में, वे अपनी भाषा में स्तुति करेंगे। महाराज दक्ष बकरे की भाषा में स्तुति करने लगे। महाराज दक्ष ने जो शब्द बोला आज सब बोलते हैं, भगवान की स्तुति की है बम बम शब्द बोल करके। भगवान शंकर की स्तुति महाराज दक्ष ने अपनी भाषा में, भागवत जी में कथा सुनी है, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी है अपनी भाषा में करी है। भले ही व्यास जी ने संस्कृत को लिख दिया है, मनोदशा मनोभाव को संस्कृत में दर्शाया है, लेकिन उन्होंने अपने भाषा में स्तुति की। ऐसे महाराज दक्ष भगवान को बम बम शब्दों में संबोधित करके स्तुति करने लग गए। एक पक्षी होता मैना, क्या कहती है जब कहीं बैठ जाए डाली पर, सुनो भाषा, मैना मैना। बकरा बकरी मैं, कबीर साहब ने कहा है जो मैं करेगा मुंडी कटेगी उसकी। मैना मतलब अहंकार नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैना ही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखते जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान से सुनेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अहंकार। हरि चले जाते हैं, अहंकार आ जाए। अब हरि है मैना, सबसे बड़ी माया क्या है, अहंकार। विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये मेरा ये तेरा ये उनका ये उनका, यही माया, ना मेरा कुछ ना तेरा कुछ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। तो भगवान शंकर की स्तुति करिए महाराज दक्ष ने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आइए हम सब भी दो चार बार भगवान शिव को याद कर लें। ओ मेरा कर दो वीणा पार, भोले शंकर जी मैं आया तेरे द्वार। मेरा कर दो वीणा पार, भोले शंकर जी आया तेरे द्वार। भोले शंकर
कुछ नहीं मिला। मंदिर में आया, बैठ गया, सोच रहा अब क्या करूं, खाली आ जाऊंगा, बच्चे भूख से तड़प रहे, क्या दूंगा, कैसे क्या खिलाऊंगा, कुछ मिल जाता बेच बाच करके नाश्ता पानी भोजन की व्यवस्था कर लेते। दो घंटा तक सोचता रह गया, अचानक उसकी दृष्टि घंटे पर पड़ गई, भोले बाबा के ऊपर बड़ा सा घंटा लटक रहा था। उसने सोचा आज यही चोरी करेंगे। अब भगवान शंकर के मंदिर में घंटा टंगा हुआ है, पीतल का घंटा बड़ा महंगा आता है ना, उतारने लगा, पहुंच ही नहीं रहा है, अब क्या करूं। भगवान शंकर के ऊपर ही चढ़ गया शिवलिंग पर, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उथर थर कांपने लगा, भगवान शंकर ने कहा डरो मत, लोग फूल चढ़ाते, पत्ती चढ़ाते, भांग चढ़ाते, दतूरा चढ़ाते, अनाज समय पता नहीं क्या क्या चढ़ा कर चले जाते, तूने तो खुद को ही चढ़ा दिया, सबसे पक्का चेला है मेरा, निराले देवता। एक बैद्यनाथ धाम के बारे में सुना होगा उधर,
बिहार में पड़ता है। एक भगत था उसी के नाम से भगवान शंकर का नाम पड़ा। रावण कैलाश से लेकर ये शिवलिंग चला था, लंकर पहुंच जाते भगवान शंकर तो रावण को कोई मार नहीं पाता, वहीं बैठ गए भगवान शंकर, उठे ही नहीं। तो रावण ने अंगूठे से दबा दिया, यहीं बैठे रहो। एक चरवाहा गाय चराने के लिए जाता था, संयोग से जहां शिवलिंग दबा हुआ था एक बेल का पेड़ था, लाल रंग की गाय थी, वो गाय जाती पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती, दूध की धार गिरने लगती अपने आप। तो उसने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ तो बात है, खुदाई थोड़ी सी करी तो शिवलिंग दिख गया। अब वो बड़ी सेवा करने लगा, बैजू नाम था उसका, बैजू भगत। अब वो उसी गाय का दूध चढ़ाने लग गया, फूल पत्ती श्रृंगार सब। अब संयोग देखो, दो चार दस दिन ऐसा उसने किया, गाय मर गई। अब वो नाराज हो गया, तेरे चक्कर में मेरी गाय मर गई, दूध नहीं देंगे, 5 लाठी रोज मारूंगा तेरी कसम। नियम बना लिया, 5 लाठी रोज मारना, चाहे आंधी आवे, एक ही टाइम फिक्स कर लिया, उतने बजे ही लाठी मारनी है, 5 लाठी। चाहे आंधी आवे तो पहुंचना, बारिश आवे तो पहुंचना, आग तपे तो पहुंचना है, लूट लगे तो पहुंचना है, हर अवस्था में पहुंचना है। नियम पक्का हो गया। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हुआ तो नियम में कुछ लड़खड़ाहट आने लगी। अब बुड्ढे हो जाओ तो मंदिर कहाँ जा पाओगे, कईयों की आदत होती जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगा पानी नहीं पीऊंगा कब तक नियम बनाओगे, जब घुटने जवाब दे देंगे 4-4 दिन बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगे, क्या करोगे, नियम छूटेगा नहीं छूटेगा। लेकिन ऐसा नियम बनाओ कि जब तुम ना जा पाओ तो वही चल करके आओगे। तो बैजू भगत मरने वाला, चार पाई पर पड़ा है, 15 दिन हो गया, लाठी नहीं लगी, भोले बाबा को बेचैन है, चेला नहीं आया। नियम का बड़ा पक्का था ना, भक्ति चाहे जैसे कर लो। भगवान ने सोचा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, 10-15 दिन बीत गया कोई आया ही नहीं, भगवान सुनकर बेचैन हो गए। नंदी से कहा चलो मिलकर के आते हैं, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है। पहुंचे तो चारपाई पर पड़ा है, भगवान को देखते ही रोने लगा, प्रभु मैं महापापी, मुझे क्षमा कर दो। अरे पगले, तेरे नियम से इतना प्रसन्न हूं मैं, तू वरदान तो मांग। प्रभु मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे कष्ट होता ही नहीं है, नियम से मुझे तुमने लाठी ही मारी, लेकिन नियम नहीं टूटा। नियम कब टूटा, जब तू असमर्थ हो गया। बनाओ अच्छा बुरा जो नियम बनाओ, भगवान से झगड़ा करने का नियम बना लो ना, पूजा कर पाओ बनाओ। रावण ने क्या कहा था, वही है वचन न तामस देहा, अब तो भय भाव झगड़ा करके ही भक्ति करूंगा। तो भगवान कहते हैं मुझे चाहे जैसे याद कर लो, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे की, पेट पड़े भी अजामी है उल्टा हो चाहे सीधे, चाहे उल्टा बीज पड़े चाहे सीधा निकलेगा जरूर। अब क्या हुआ, मिनट मिनट में नहीं, इनको समझाओ, यहाँ कैमरा लगा ले, अब यहाँ हरदम नहीं, आगे कर लो कैमरा, आगे कर लो, प्रसाद हटा दे, बार बार आगे ना आना। बोली शंकर भगवान की है, आज भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिया। कहते हैं नियम बनाओ, नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत जाधर नेम न प्रेम है, सागर कुशल नाचे। अच्छा नियम बनाओ चाहे बुरा बना लो, लेकिन अच्छे नियम से अच्छा फल, बुरे नियम से बुरा फल मिलता है। एक भाई साहब ने कहा महाराज जी बड़ा पुराना नियम है, जब तक तंबाकू रगड़ कर नहीं खा लेता हूँ तब जुबान लड़बड़ाती रहती है। मैंने कहा कितना पुराना नियम, 12 साल के थे तब से, तो छोड़ना नहीं। मेरे भाई साहब ने कहा जब तक 3 पैक पी न लूं महाराज की बातें नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा कब का नियम है, कहने लगे जब 5वीं में थे तब से थोड़ा थोड़ा चेक करना शुरू कर दिया था, पिताजी पीते थे ना,
तो अब ना छोड़ना, नहीं तो नियम टूट जाएगा। मैंने कहा मंदिर का जाने का भी नियम है, कहा कभी नहीं गए, अब कहा जाना भी नहीं। अच्छा नियम नहीं बना रहे हैं, जिसके जीवन में अच्छा नियम नहीं, जीवन बेकार है। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जाघर नेम न प्रेम है, कागर कुशल ना फेर। इसी बात भगवान शंकर ने दक्ष को बकरे का सिर जोड़ दिया है। दक्ष ने बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं अहंकारी हो गया था। जो अहंकारी होता है उसे बकरे का सिर ही मिलता, अंत में बकरा ही बनता। मैं करो दिन भर, अब भगवान शंकर ने देखा यज्ञ पूर्ण हो गया है। सती जी का हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, योगाग्नि में जल गई थी मैया सती। भगवान शंकर ने अस्थियों को उठा लिया, कंधे पर रख लिया, त्रिशूल फेंक दिया, डमरू फेंक दिया, दिगंबर हो गए। सती जी से बड़ा प्रेम करते हैं, कभी इस गुफा में बैठे रो रहे हड्डी कंधे पर लादे, कभी उस गुफा में बैठे रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी कुछ करो। भोले बाबा की विपत्ति कैसे खत्म होगी, भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया है। चक्र ने छोटे छोटे भागों में सती जी के अंग प्रत्यंग को काट काट करके गिराया, छोटे छोटे भागों में। 51 स्थानों पर महारानी सती का अंग उस समय काट करके गिराया है भगवान विष्णु ने। 51 स्थानों पर महारानी सती का अंग प्रत्यंग काट करके गिराया। अंत में जब सिर बचा है ना, भगवान शंकर ने मुंडों की माला बनाकर गले में पहन लिया। ध्यान से सुने, आजकल बहने कहती महाराज जी पति बड़ा प्रेम करते हैं। अब सर भोले बाबा जितना प्रेम तो करेंगे नहीं, ये तो रोज जब मंदिर में बैठते हैं भगवान से रोज मनाते, कब मरेगी दूसरा दूसरी लाऊं, कब मरेगी तीसरी लाऊं, कब मरेगी दूसरी लाऊं। आजकल पतियों की कहानी भी उल्टी, कई पत्नियां भी कह रहे तू कब निपटेगा, मैं दूसरी शादी करूं। अब पुराने समय में पति का नाम यहाँ लिखवाती थी ना माताएं, देखा है ना दादियों के हाथों। अब कोई लिखवाता है नहीं, पता नहीं दो शादी हो तीन करनी, कितना छिलवाए आदमी सर्जरी करवाए लिखवाओ। पुराने समय में एक हो गया चाहे सौ सौ जूता खाओ, कमाशा घुस के दे, कितना लड़ाई कितना झगड़ा, कितनी अमीरी कितनी गरीबी, हटना नहीं है। भगवान शंकर ने सती जी का जो जब सिर बचा, सोचा हड्डियों का ढांचा कहां चला गया, ये एकदम बावले से हो गए थे। चक्र ने काट काट करके उस समय भगवान शंकर 51 स्थानों पर गए थे। 51 स्थानों पर सती जी का अंग प्रत्यंग काट करके गिराया है। मुंडी बनी भोले बाबा ने, हार बनाकर गले में पहन लिया। आज 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। पहले माता का एक रूप था सती जी का रूप, लेकिन हम सबको मिलने के लिए इन्होंने खुद को जलाया। भगवान शंकर कंधे पर लाद कर विचरण करते, भगवान विष्णु ने चक्र से टुकड़ों में बांटा हड्डियों को। आज 51 शक्ति पीठ हम लोग दर्शन करने जाते। बोलो सांचे दरबार की जय हो। अब इनका बावनवा रूप कौन सा है, महाराज हिमाचल हुए। महाराज हिमाचल को कोई संतान नहीं, पर्वतों के राजा माने गए हैं। इनको कोई बेटी बेटा नहीं, इन्होंने भगवती की आराधना की है। जगत जननी मुझे संतति चाहिए, जगत जननी प्रकट होती है सामने, मांगो क्या चाहिए। जब जगदम्बिका का दर्शन हिमाचल ने किया है, इन्होंने कहा आप पुत्री बनकर के पधारो। भगवती ने वरदान दिया मैं आपके यहाँ पुत्री रूप में पधारूंगी। तो वामनवा रूप सती जी का कौन सा है, तुलसीदास जी ने लिखा है तही कारण ही मिगिर गृह जाई, कारण ही मिगिर गृह जाई, तही कारण ही मिगिर गृह जाई, कारण ही मिगिर गृह जाई। जननी पार्वती तन
जी का बावनवा रूप कौन सा है महाराज? हिमाचल के यहाँ बेटी के रूप में पधारी है, पर्वतों के राजा है महाराज हिमाचल। पर्वतों के राजा की पुत्री का नाम क्या पड़ा? पार्वती मैया की। आखिर ये पार्वती बनी कैसे? तुलसीदास जी ने लिखते ही कारण, कोई कारण बताना चाहते हैं, थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। जब सती जी योगाग्नि में जल रही थी ना, तो हरि का स्मरण किया, भगवान राम प्रकट हो जाते। मैया क्या कह रहे हैं? सती जी ने कहा, ये शरीर मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा पता है आपको? इस शरीर से भगवान शंकर ने विरक्ति ले ली थी, छोड़ दिया था, तो वो शरीर मैं जला रही हूँ। मुझे ये वरदान दीजिए, मैं मुक्त नहीं होना चाहती हूँ, मुझे पुनः शरीर मिले। और शरीर मिले, भगवान शंकर उस शरीर का वरण करें, वो शरीर दीजिए। तो मरते मरते जिसको याद करोगे वो प्राप्त करोगे। अंतिम मति आशा गति, मरते समय जिसको याद करोगे ना, दूसरे जन्म में पक्का है। इसलिए मरते समय सावधान रहना, घर मकान की चिंता छोड़ देना, बेटी बेटे की चिंता छोड़ देना, धन दौलत की चिंता छोड़ देना, नहीं कुत्ता बिल्ली बनकर पड़े रहोगे।